हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सेल एडवांस में पे शीट फॉर डेली वेजेस कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आप ये शीट सामने देख रहे हैं, पे शीट फॉर डेली वेजेस। अब इसमें हमने क्या क्या हेडिंग लिए, एम्प्लॉय कोड, वर्कर टाइप, एम्प्लॉय नेम, वर्क डेज, कितने दिन काम किया और कितने घंटे काम किया, मतलब 25 दिन अगर काम किया तो 25 दिन में कितने टोटल घंटे काम किया। ओवर टाइम निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे ओवर टाइम का कितना पैसा बना वो कैलकुलेट करेंगे, और बेसिक पे कितनी बनी वो कैलकुलेट करेंगे, और नेट पे कितनी बनी वो कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वर्कर टाइप का मतलब ये है कि वो वर्कर जो है वो सीनियर पोजीशन पर है, उससे नीचे है, किससे क्या है। अब ए का मतलब सपोज के सुपरवाइज़र है, बी का मतलब सपोज फोरमैन है, सी का मतलब टेक्नीशियन है, डी का मतलब हेल्पर या लेबरर है। ये एक फैक्ट्री से रिलेटेड है। वेजेस जो होती है वो फैक्ट्री वगैरह में दी जाती है, या जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की साइड होती है वहाँ डेली वेजेस दी जाती है। अब हमको यहाँ ओवर टाइम निकालना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में टोटल एक्चुअल कितने घंटे काम होना चाहिए, वो होता है 8 घंटे। तो इसका मतलब है अगर कोई 25 दिन आया है तो 25 दिन में उसने टोटल कितने घंटे काम किया, 25 अट्ठे 200 घंटे। लेकिन यहाँ टोटल आवर ऑफ वर्क जो है ज़्यादा आ रहा है, 210 आ रहा है। इसका मतलब जो उसने फालतू काम किया वो क्या हुआ, वो ओवर टाइम हुआ। जितना घंटे उसको काम करना चाहिए उससे ज़्यादा काम उसको उससे लिया गया है, तो जो ज़्यादा काम होता है उसको ओवर टाइम बोलते हैं। ओवर टाइम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर 200 210 है तो उसमें 10 घंटे ओवर टाइम कैसे आएगा, वो इज इक्वल टू वर्कर ओवर टाइम जो हमने टोटल आवर्स है वो कर ले लिया। अब माइनस करेंगे हम इसमें से, ब्रैकेट में रखेंगे जितने दिन काम किया और जितने घंटे एक दिन में उसको काम करना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 8। 8 घंटे काम, ये ध्यान रखिएगा कि एक दिन में 8 ही घंटे काम होना चाहिए एक्चुअल में। ज़्यादा काम है तो इसको हम लोग ओवर टाइम। अभी आपने देखा कि ये पहले या वर्कर है या पहला एम्प्लॉई है, उसने 10 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया, बाकी ये यहाँ सबका आ गया। एक्सेल एडवांस के पीछे भी अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे, फार्मूला हम सिर्फ एक ही बार लगाते हैं, बार बार हर एक एम्प्लॉय के लिए फार्मूला नहीं लगता, एक ही बार लगता है, उसको हम ड्रैग कर देते हैं ऐसे, तो बाकी सबकी कैलकुलेशन अपने आप हो जाती है। अब यहाँ इजिकल टू, एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाएंगे इजिकल टू पहले लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ ओवर टाइम का चार्जेस निकालना है हमको, तो यहाँ पर हमको इफ का फार्मूला लगाना है। अगर जैसे कोई भी फार्मूला हाईलाइट होता है तो जो कीबोर्ड पे टैब होता है टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि ब्रैकेट लग जाएगी अपने आप, ब्रैकेट लगानी नहीं पड़ेगी, और फार्मूला भी नीचे लिखा आता है। फार्मूला हमको मालूम है क्या है, लॉजिकल फार्मूला ये कि अगर ये वर्कर का टाइप ये बराबर है ए के, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब फार्मूला में आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा हमने कहाँ लगाया, कॉमा कहाँ लगाया है। अगर आप गलती कर देंगे इसमें तो फिर आपका कैलकुलेशन नहीं आएगी, ध्यान रखना। अब अगर वर्कर का टाइप ए है तो जितना उसने ओवर टाइम किया है उसको हम पैसे जो देंगे 100 रुपीज़ के हिसाब से देंगे। ये सब अंदाजे से लिया मैंने, आप कुछ भी ले सकते हैं। कॉमा इफ़, अगर इफ हाईलाइट हो रहा है टैब दबाएंगे, अगर ये वर्कर है इसका टाइप बराबर है इन्वर्टेड कॉमा में बी के, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, तो जितना उसने ओवर टाइम किया है उसको हम पेमेंट जो करेंगे वो 70 रुपये पर आवर के हिसाब से करेंगे। फिर कॉमा, फिर इफ़ आ रहा है टैब दबाएंगे, अगर ये जो एम्प्लॉई है इसका टाइप बराबर है सी के, इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा का ध्यान रखिएगा प्लीज़, तो जितने घंटे उसने काम किया
मल्टीप्लाई करेंगे 60 रुपये पर आवर के हिसाब से, कॉमा। अब यहाँ पर हम सी के अलावा जितनी भी कैटेगरी होंगी, डी ई एफ जी एच जो भी होगी, उसको हम सबको फ्लैट रेट देंगे 50 के हिसाब से। तो बाकी जो कैटेगरी उन्होंने जितना भी काम किया है फ्लैट रेट देंगे 50 के हिसाब से। अब यहाँ पर हमको ब्रैकेट क्लोज करना है, और इफ़ के फार्मूले में जितनी बार इफ आएगा फार्मूले में उतना हमको ब्रैकेट लगाना है। 3 बार इफ आया तो 3 ब्रैकेट लगाएंगे, एक हमने लगा दिया, दो और लगा दिए, एंटर कर दिया। अब ये ओवर टाइम चार्जेस आ गया पहले एम्प्लॉय का, इसको यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे तो बाकी सबका भी आ जाएगा। अब इसी सेम फार्मूला बेसिक में लगाएंगे, इफ लिखा आ रहा है टैब दबाएंगे, अगर ये जो एम्प्लॉय है इसका टाइप बराबर है इन्वर्टेड कॉमा में ए के कॉमा, तो जितने दिन उसने काम किया, बेसिक में जो है डेज के हिसाब से पेमेंट मिलती है, तो जितने दिन काम किया है मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे। ये सब अंदाजे से मैं ले रहा हूँ, आप जब खुद करेंगे तो आप कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं। इफ टैब दबाएंगे, अगर ये जो एम्प्लॉय है इसका टाइप बराबर है बी के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, तो जितना दिन उसने काम किया है उसकी पेमेंट जो हम कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे 700 पर डे के हिसाब से कॉमा। इफ आ रहा टैब दबाएंगे, अगर ये जो एम्प्लॉय है इसका टाइप बराबर है सी के, तो जितने दिन उसने काम किया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 600 पर डे के हिसाब से। अब बाकी जो भी कैटेगरी बच गई उसको हमने फ्लैट रेट देना है 500 के हिसाब से। वो बाकी सब वर्कर हैं, हेल्पर हैं, तो उनका सबका सैलरी एक ही जैसी होगी। तो जितना भी उन्होंने काम किया है मल्टीप्लाई 500, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। इसके फार्मूले में जितनी बार इफ आएगा उतना ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम, 3 बार आया तो 2 और ब्रैकेट लगा दिए, एंटर। जो पहला एम्प्लॉई है वो हमारा ए कैटेगरी लिखा हुआ है, तो उसको 1000 रुपये के हिसाब से 25 दिन आया तो 25,000 हो गए। ऐसी बाकी सबकी डबल क्लिक करेंगे, प्लस के निशान जब आता है, ये प्लस का निशान आता है, डबल क्लिक करेंगे तो बाकी सबका भी आ जाएगा। एक्सेल एडवांस या एक्सेल के जितने फार्मूले हैं एक ही बार लगते हैं, बाकी हम उनको खाली पेस्ट करते हैं। अब ये बेसिक पे आ गए, ओवर टाइम चार्जेज आ गए। अब यहाँ पर हमको नेट पे निकालनी है, टोटल हमने कितना पैसा देना है एम्प्लॉय को, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये प्लस ओवर टाइम चार्जेस। तो पहला जो एम्प्लॉय उसको 26,000। अब यहाँ ये प्लस का निशान आ रहा है, या तो माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको ऐसे ड्रैग करेंगे आप, बाकी सबका आ जाएगा, नहीं तो डबल क्लिक कर देंगे जब प्लस का निशान आता है, तो ये प्लस का निशान आता है तो डबल क्लिक कर देंगे। इस तरह से पे शीट आपकी तैयार हो गई है। अब ये आप सेल में देख रहे होंगे बॉर्डर जो बनाया मैंने, ये कैसे बनाया है ये भी आपको बता देता हूँ। अब ये मैंने हटा दिया। बॉर्डर बनाने के लिए सबको पहले सेलेक्ट करेंगे ऐसे, ये बॉर्डर का ये रेडियो बटन बोलते हैं इसको, छोटा सा है, यहाँ पर लिखा है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर को जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबके बॉर्डर अपने आप लग जाएंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि ये आप प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पर भी आपको कंप्यूटर अवेलेबल है, और इसको खुद करके देखेंगे। इसमें 1, 2, 3 बेसिकली जो है 3-2 फार्मूले हैं मेन, तो बाकी टोटल 4 फार्मूले हैं। और किसी भी फार्मूले को आपने देखना है उसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर फार्मूला यहाँ लिखा आता है फार्मूला बार में, इसका फार्मूला देखना है, ऐसे क्लिक करते हैं फार्मूला आ जाएगा लिखा, इसका ऐसे आ जाएगा और इसका इस तरह से आ जाएगा। तो ये सारे फार्मूले हैं, आप मेरे को उम्मीद है इसको आप नोट करेंगे और ख़ुद करके देखेंगे।
मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको सारे मिलते जाएंगे। बाय, टेक केयर, थैंक यू।